आपके अपने शहर खंडवा में नई सौगात। वाहेगुरु हार्डवेयर परिवार आपके लिए लाया है सैनिटरी से जुड़ा सोनेट स्टूडियो, जहां आप पाएंगे सैनिटरी की विशाल रेंज। 21 नवंबर को है ना, मैं थाना मोगढ़ थाना क्षेत्र में एक है ना महिला ने कंप्लेंट की थी कि उसकी है ना मम्मी, मैं चूंकि लड़की आई थी उनकी, उनकी मम्मी को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, 25,000 रुपये है ना मांग रहा है। उसने है ना फेसबुक मैसेंजर पे, चूंकि वो फेसबुक चलाती थी उनकी मम्मी, तो फेसबुक पे उन्होंने कोई अश्लील वीडियो बनाते हुए और देखते हुए उनका ना फ़ोटो कैप्चर कर लिया है और उसी से ब्लैकमेल कर रहा है। इसकी है ना जब हमारे पास रिपोर्ट हुई इस पर से, फिर पुलिस ने मुकदमा कायम किया 492/2021 383 का और 384 का और 67 इसमें IT एक्ट भी लगाया था हम लोगों ने। इसमें वो 25,000 रुपये की उसने उस महिला से डिमांड की थी, पैसे दिए तो नहीं गए थे, लेकिन चूंकि ब्लैकमेलिंग कंप्लेंट थी और चूंकि IT से मामला रिलेटेड था तो पुलिस ने रजिस्टर्ड किया। अब चूंकि इसमें हमारे पास कोई फ़ोन नंबर नहीं था, थोड़ा सा फेसबुक के मैसेंजर पर से ना कॉल किया गया था, तो उसको थोड़ा सा हमको ट्रैक करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अल्टीमेट पुलिस को 2 महीने में इसमें सफलता मिल गई और पुलिस ने इसमें फूलचंद पीतम मूलचंद सैनी 34 वर्ष निवासी कलवाड़ा जिला जयपुर इसको गिरफ्तार किया गया है। इसने सपना चौधरी नाम की एक फेसबुक है ना सपना शर्मा नाम की एक है ना ID बना के रखी थी, जिस पर से है ना वो ऐसे वीडियो कॉल करके महिलाओं के स्क्रीनशॉट ले लिया करता था और उनको ब्लैकमेल करता था। महिलाओं को किस तरह आप कहना चाहेंगे? सभी महिलाओं को मेरा बस एक रिक्वेस्ट है और ये मेरी अपील भी है बच्चियों से, इवन सिर्फ महिलाओं नहीं पुरुषों से भी अपील है कि आप है ना फेसबुक बहुत अच्छा है ना सोशल मीडिया फ्रेंडशिप का साधन है, लेकिन आप जिनको जानते हो उन्हीं से आप दोस्ती करें। नंबर एक चीज़ अपना मैसेंजर कोशिश करें कि हालांकि वो चैटिंग और बात करने के लिए कुछ भेजने के लिए एक प्राइवेसी के हिसाब से बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप है ना वीडियो कॉल जो होते हैं वो अगर अननोन किसी नंबर से आए हैं तो आप 100% है ना उसको अटेंड ना करें। नंबर दूसरी चीज़ कि फेसबुक पे सिर्फ उन्हीं लोगों से दोस्ती करें जिनको आप वास्तविक रूप से जानते हैं। मैम ये जो व्यक्ति है इसमें सिर्फ एक महिला के साथ ही से किया या और भी लोगों के साथ किया जो मोबाइल का बैकग्राउंड है इसका? इसका बैकग्राउंड तो ये है कि ये है ना खेती किसानी का काम करना बता रहा है, जिम में हालांकि जाता है, 34 साल की इसकी एज है, अपने आप को 4th-5th का पढ़ना बताता है, लेकिन जो इसका एक्टिविटी है और जो मोबाइल को देख के ऐसा लगता है कि थोड़ा सा है ना एडवांस है, सारी चीज़ें जानता पहचानता है। अभी चूंकि कल ही इसको गिरफ्तार किया है, अभी पुलिस का रिमांड लेगी और इन्वेस्टिगेशन इस मैटर पर करेगी। अभी प्रारंभिक रूप से क्या जानकारी मिली, पहले भी किसी लोगों को ब्लैकमेल किया है? देखिए अभी हमने पास पहली कंप्लेंट आई, पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया। अब जब ये सपना शर्मा के नाम से जब इसकी फेसबुक ID कभी थोड़ा सा आपके माध्यम से जाएगा और थोड़ा सा मालूम पड़ेगा और कोई कंप्लेंट आएगी तो हम इसी में मर्ज करेंगे और अलग से भी केस रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल हमारे पास सिर्फ ये एक ही केस है। इसको रिमांड पर लिया? हाँ, पुलिस रिमांड पर है ना लिया इसको।